फारूक साहब ने कल जहां पे महुआ मोइत्रा ने अपने एक्सपल्शन के बाद मीडिया वालों से बात की, फारूक साहब उसमें हाजिर रहे, हमारा उनके साथ पूरा सपोर्ट और पूरी हमदर्दी है। हमें अफसोस इस बात का है कि उन्हें खुद अपनी सफाई में पार्लियामेंट में बोलने की इजाजत नहीं दी गई। बिल्कुल इस बात को साबित किया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। बीजेपी को यह याद रखना चाहिए कि वो हमेशा के लिए इख्तदार में नहीं होंगे। बदकिस्मती से आज जो ये रास्ता अपना रहे हैं, कल को कहीं यही चीजें उनके खिलाफ इस्तेमाल ना हो। जमहूरियत का इस तरह कत्ल नहीं किया जाना चाहिए। हम सब जो या तो पार्लियामेंट में जाते हैं, असेंबली में जाते हैं, हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि उन इंस्टीट्यूशंस को हम संभाल के रखें, उन्हें बचा के रखें, जो कि अफसोस से कहना पड़ता है आज वो हाल नहीं है। आपकी स्पीच में अनसर्टेनिटी सी लग रही थी 11 दिसंबर के फैसले के हवाले से। ऐसा कौन है जो दावे से ये कह सके कि हमें पहले से ही मालूम है कि क्या होने जा रहा है। मेरे पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है, ना मेरे पास ऐसा कोई तरीका है जिससे कि मैं आज ही पता लगा सकूं कि उन 5 ऑनरेबल जजेस के दिल में क्या है या उन्होंने जजमेंट में क्या लिखा है। मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूं, मैं दुआ कर सकता हूं कि जो फैसला होगा वो हमारे हक में होगा, लेकिन मैं कोई दावा तो कर नहीं सकता हूं कि मुझे पहले ही मालूम है किसमें हमारी कामयाबी होगी। ना कोई ऐसा है जो ये दावा कर सके। हम फैसले के इंतजार में हैं, फैसला आ जाने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। उमर साहब अगर कल अगर पार्लियामेंट ने मरकजी सरकार के हित में फैसला दिया तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करेगा? मैं अगर मगर का जवाब नहीं देता हूँ। फैसला आने दीजिए, हम कौन सा यहाँ से भागने वाले हैं। आने दीजिए फैसला, उस पर हमें गौर करने दीजिए, उसके बाद जो हमें रिएक्शन देनी होगी वो हम आपको रिएक्शन दे देंगे ना। जुडिशियल का माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि किस चीज का माहौल, इसी चीज का कि आप बता रहे हैं कि हमें बता रहे हैं कि हमारे आदमियों को बता रहे हैं कि आप घर में बैठे गिरा का माहौल ऐसा बना रहा है जैसे कि हमारे इन लोगों को हमें घर में बंद रखने का बहाना चाहिए। बहाना इनको मिल गया। जिस तरह हमें पता नहीं है कि फैसला क्या होगा, इन लोगों को भी नहीं था पता। अगर इनको पता है तो फिर उस पर तो फिर तहकीकात होनी है। हमें तो नहीं पता है ना कि फैसला क्या होगा। फैसला आने दीजिए, उसके बाद देखी जाएगी। मर साहब अगर असेंबली इंतखाबात अगर असेंबली